PYA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसविदा तैयार करने का फैसला। PTI और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर अकरम राजा और कामरान मुर्तजा तरमीम का मुसविदा तैयार करेंगे। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर भी मुशावरत, आइंदा की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों जमातों ने आईनी तरमीम के मामले पर एक साथ चलने पर इत्तेफाक किया। तरमीम आपने करनी है, अवाम के सामने रखें, ठीक है, डिबेट कराएं उस पर, पूरी पाकिस्तान में डिबेट हो, क्या तरमीम है, क्यों है, इसके क्या मकासद हैं, इसके क्या असरात होंगे, क्या मनफी असरात हैं, क्या मुस्बत असरात हैं। मौलाना फजल रहमान इन सब से ज़्यादा समझदार आदमी हैं। उनको ये बात समझ आ गई थी कि ये काला कानून क्योंकि अगर मेरे वोट से पास हो गया तो पूरी ज़िंदगी मुझ पर ये काला धब्बा रहेगा कि मौलाना फजल रहमान ने ये काली तरमीम पास की है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मौलाना फजलुर रहमान को निजात दहिंदा करार दे दिया। कहते हैं कि मौलाना के फैसले ने मुल्क को बचाया। वो समझ गए थे कि ये काला कानून है, धब्बा पूरी ज़िंदगी उनके दामन पर रहेगा। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आईनी तरमीम अदलिया को मातहत करने के लिए की जा रही है। यह तरमीम अदल का निज़ाम ख़त्म कर देगी। पार्लियामान आइन के खिलाफ कानून पास नहीं कर सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामले पर तहफ़ुज़ात, चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को जवाब खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने की वजह भी बता दी। कहा उन्होंने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकिया दी। सीनियर एडहॉक जजेस का एहतराम ना किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज्ज़ज़ रुकन से गैर शायस्ता और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। साथ ही जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज की जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत। खत में लिखा, रजिस्ट्रार ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका खत इजलास के दौरान दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफियों तक पहुंच गया। कानून में मुझे कमेटी का जज नामजद करने का अख्तियार दिया गया। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। आपकी जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजेस को खत भिजवाए गए। गलत बयानी के खात्मे के लिए सबको नकुल भिजवाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुझ पर जजेस के इंतखाब गैर जमहूरी, वन मैन शो जैसा इल्जाम लगाया गया। आपकी बातें हकायक को तब्दील नहीं कर सकती। अवाम में गलत बयाने को खत्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलदम किया जाए। सीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही राइट है, वो हमें नहीं मिलनी चाहिए। 3 करोड़ के करीब वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा, तो जो हमारा हिस्सा बनता था वो हमारी ही सीटें होनी चाहिए थी। जो खवातीन है वो इस वक्त जेलों के अंदर हैं। मखसूस नशस्तों पर पीटीआई का हक है, हम नजरिए पर खड़े थे, कुर्सियों के लिए नहीं खड़े थे। सजा याफ्ता को जेल में 1 साल हो जाए तो जमानत मिल सकती है। रहनुमा पीटीआई जरताज गुल की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी पीटीआई वोट की ताकत से दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। हुकूमत ने आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। पीटीआई का मौकिफ है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या अदालती फैसले पर, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त आए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की तजवीज दी थी। शरायत पूरी कर दी है, बड़ी कड़ी शरायत थी। बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का, कि उनके भरपूर तावन के बगैर ये मुमकिन नहीं था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी दौरा अमरीका। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक असलाहत की तारीफ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की IMF सरबराह से भी अहम मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र कि IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया, मिलकर दिन रात मेहनत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म से बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सेटल में गेट्स फाउंडेशन के दौरे की दावत पर शुक्रिया अदा किया। पोलियो के खात्मे के लिए गेट्स फाउंडेशन के तआवुन को सराहा। बिल गेट्स का कहना था कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए जरूरी है। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने वार्निंग दे दी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत के पास लोगों के तर्ज ज़िंदगी का डाटा मौजूद है, किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने लोग बैरून ममालिक सफ़र करते हैं, सब मालूमात हैं। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ डाला जो कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़रात और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। हुकूमत के पास अब मौशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। IMF बेल आउट पैकेज के बाद मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में कितना इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने अदादोशुमार की रिपोर्ट जारी कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर में 2,40,00,000 डॉलर्स का इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मालियत 9,53,36,00,000 डॉलर्स रिकॉर्ड। कमर्शियल बैंक्स के पास 5,33,95,00,000 डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 14,87,31,00,000 डॉलर्स की सतह पर हैं। इंटर था जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। मैंने भी उनसे बात की है, जो डिसीज शाहनवाज है उसके वालिद से, जो डिसीज्ड है। पहले हम चांस दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं कि उनकी फैमिली जल्द से जल्द FIR कटवाए। सिंध पुलिस ने उमरकोट में तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले की रिपोर्ट पेश कर दी। वजीर दाखिला सिंध ने कहा है कि मुलविस अहलकारों के खिलाफ अहले खाना की मुदैयत में FIR दर्ज होगी। अहले खाना पीछे हटे तो सिंध हुकूमत फरीक बनेगी। ज़िया लंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया। उमरकोट में पुलिस अहलकारों पर जाली मुकाबले का इल्ज़ाम है। वजीर आला सिंध की हिदायत पर एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। मुलविस अहलकारों के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दिया है। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज था मुस्तरद कर सकते थे। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नर पंजाब को जवाब, कहा कि हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। गवर्नर पंजाब बोले, मेरी किसी को वाइस चांसलर लगाने की कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी कोशिश है कि मेरिट पर वाइस चांसलर लगे। मेरा कोई मफाद नहीं, सिर्फ मेरिट पर तैनातियाँ चाहता हूँ। घंटे यहाँ पे हम लोग खड़े रहे हैं और हमें अपने महबूब कायद से मुलाकात नहीं करने दी गई। यहाँ पे धज्जियां उड़ा दी गई हैं आईन और कानून की। 4 घंटे अडियाला जेल के बाहर खड़े रहे, बानी पीजे से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अवाम के नुमाइंदे ही रियासत हैं। जुमे को हमारे वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, हफ्ते को रावलपिंडी पहुंचेंगे। पार्टी चाहती है और पीपुल्स पार्टी ने पहले ही कहा है जी कि हम किसी पर्सन स्पेसिफिक लॉ की सपोर्ट नहीं करते, हम सिस्टम की बेहतरी के लॉ की सपोर्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इसलिए बनाई जाएं लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके, लोगों को उनके दरवाजे पे इंसाफ मिल सके। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार से मुराद वापस ली जाए और उन्हें साबिक चीफ जस्टिस ना कहा जाए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरामीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं। नई अदालतों का क्याम इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तवानाई है, कोशिश है ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं।
शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 खारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक 25 और 26 सितंबर की दरमियानी शब ब्रिज्मिक में कार्रवाई की गई। खारजियों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वजीर आजम और सदर की जानिब से कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा इंशाल्लाह पूरे मुल्क से खवारिज का इनकरीब खात्मा होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दी धरती का बोझ है, इनका सफाया करेंगे। निहत्ते फलस्तीनी इसराइल की जारहियत का शिकार हैं। इसराइली बर्बरियत पर आलमी अदालत इंसाफ ने तारीखी फैसला दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का UN असेंबली इजलास से खिताब। कहा इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म की फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा अक़वाम आलम फलस्तीन की आज़ाद रियासत की तश्कील यकीनी बनाए। महमूद अब्बास ने एतराफ़ किया पाकिस्तान के लिए जितना मुमकिन हुआ फलस्तीनी भाइयों की मदद की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MGCAT के नतायज जारी करने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफ़सार किया किसी और सूबे में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ ऐसा क्यों हुआ? आप एक कमेटी बनाएं जो इस मामले को देखेगी। जस्टिस अरबाब ताहिर के रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को हिदायत। मुतालबा है कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस फौरी मंसूख किया जाए, लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मन्नम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 29 सितंबर कराची की मरकजी शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। मुल्क के बड़े शहरों में डेंगू के फैलाव के खदशे के पेश नज़र वजारत सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। 20 सितंबर से 5 दिसंबर के दौरान मुमकिन डेंगू फैलने की वार्निंग दे दी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 126 नए केसेस सामने आए। रावलपिंडी में दौरान इलाज एक खातून चल बसी। तो उसका डायरेक्ट जो हमें प्रॉफिट है वो तकरीबन $1 बिलियन हो सकता है। 100 एकड़ के ऊपर 100 टन हमने पायलट किए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हार्वेस्ट पहला हम नवंबर में करने गए वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है। जनूबी पंजाब की बंजर जमीन अब सोना उगलेगी। 1000 एकड़ पर 100 टन से ज्यादा झींगा फार्मिंग की जाएगी। आसमाशी मंसूबा शुरू हो गया। तकरीब से खिताब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दुनिया भर में झींगे की बहुत मांग है, फार्मिंग से $1 अरब हासिल किए जा सकते हैं। इस रकम से पंजाब हुकूमत के खराजात पूरे किए जा सकते हैं। पाक बहरिया में वर्ल्ड मैरीटाइम डे की मुनासिबत से सरगर्मियों का इनेकाद। ये दिन मैरीटाइम सेक्टर के किरदार, सिक्योरिटी, शिपिंग सेफ्टी और समंदर की अहमियत की आगाही उजागर करने के लिए मनाया जाता है। रवा साल के मैरीटाइम डे का मौजू है मुस्तकबिल की जहाज रानी, हिफाजत सबसे पहले। सरबराह पाक बहरिया ने माहौल दोस्त कवानीन की जानिब दुनिया की मुंतकली से कौमी मफादात को हम आहंग करने की अहमियत पर जोर दिया। कहा पाक बहरिया अवाम में मैरीटाइम सेक्टर से मुतालिक आगाही को उजागर करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफती मेला आर्ट्स काउंसिल कराची में सज गया। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का अफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने किया। खिताब में कहा कि कराची में इस मेगा इवेंट का इनेकाद खुशाइंद है। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह और उनकी टीम को शाबाश देता हूं। फेस्टिवल का आगाज कौमी तराने से किया गया। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के पहले रोज मशरकी और मगरबी मौसीकी के सुर बिखेरे जा रहे हैं। 35 रोजा फेस्टिवल में 40 ममालिक के 450 फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।